हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो बच्चे आइए इस सवाल को बनाते हैं, ध्यान से देखना भाई। लेट मी टेक द पेन। आपको मैं समझाता हूँ सवाल में क्या पूछा गया है। मान लो हमने किसी बॉडी को यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल के ऊपर, तो क्या होगा, वो अपना पैराबोलिक पाथ लेता हुआ ऐसे कुछ जाएगा यार। बोलो क्लियर, यही तो होने वाला है। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो हमें ये बताना है उसका एलिवेशन एंगल क्या होगा। मतलब मुझे इस एंगल फाई पे कमेंट करना है जो कि थीटा नहीं है। थीटा अपना सवाल में 45 डिग्री है, लेकिन हमसे फाई पूछा है, क्या बात क्लियर है बच्चे? क्या समझ पाए मेरी बात को? बिल्कुल सर, आइए बनाते हैं सवाल को। पहले स्ट्रेटजी आओ बनाते हैं सवाल को, बनाएंगे कैसे। क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, तो बच्चे जो हाइट होगी डॉटेड वाली वो तो अपना मैक्सिमम हाइट होगा, और जो ये बनेगा अपना वो कितना बनेगा, रेंज का आधा बनेगा। ये अपना रेंज का आधा बनेगा, क्या बात क्लियर है। तो क्या मैं इस ट्राइंगल में लिख पाऊंगा जो टेंजेंट फाई होगा वो अपना बनेगा मैक्सिमम हाइट भाग में रेंज बाई टू, तो अपना ऊपर चला जाएगा। अब जरा इनके फॉर्मूले पुट करो। टू टाइम्स मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट अपना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा अपना 45 है, भाग में क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी होता है इसके मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा का मतलब 2 × 45 भाग में जी होगा। क्या समझ पा रहे हो, बिल्कुल सर। देखो बच्चा, 2 से 2 कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, साइन 90 1 होता है, ले दे के बस साइन स्क्वायर 45 बचा। साइन 45 कितना होता है अपना 1/√2, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। तो फाई क्या बनेगा, फाई अपना बन गया है टेंजेंट इनवर्स 1/2। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।